क्या जगदा बाबूजी ने आप लोगों से कहा क्यों नाराज हैं? नाराजगी होती है तो वो प्रकट करते हैं ना, नाराजगी है कोई। जिस तरीके से पूरे राजद को तेजस्वी यादव ने विगत 2-2.5 सालों में चलाया है, उसके बाद पार्टी में एक अलग मजबूती नज़र आई है। बात की जाए तो अनुशासन राष्ट्रीय जनता दल में दिखा है, और यही कारण था कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो जो क्रियाकलाप था पूरा राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें एक अनुशासन दिखता था, एक पहल दिखती थी पार्टी को मजबूत करने की, संगठन को आगे बढ़ाने की। व्यवस्था जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हुआ, उसके बाद कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह जब साथ काम कर रहे हैं तो पार्टी को एक नया ऊंचाई मिल रहा है। लेकिन विगत कुछ महीनों में जिस तरीके से जगदानंद सिंह के खिलाफ लालू के बड़े लाल और हसनपुर के जो विधायक हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपना रुख रखा है, उसके बाद कहा जा रहा था कि जगदानंद सिंह नाराज़ हैं। बात की जाए तो इसी पार्टी कार्यालय में छात्र राजद का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि बने थे तेज प्रताप यादव, और उन्होंने जगदानंद सिंह के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए पार्टी किसी बाप किसी की बपौती नहीं है का बयान दिया था और जगदानंद सिंह को हिटलर बनाया था। 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया और जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर नहीं आए। बात की जाए तो 15 अगस्त को जब झंडा तोलन करना था तो जो सूचना राजद कार्यालय के तरफ से जारी किया गया, उसमें कहा गया था कि झंडा तोलन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे, लेकिन 15 अगस्त के दिन भी जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं आए। सूत्र बताते हैं कि 14 अगस्त को पूरी रात जगदानंद सिंह को मनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगे हुए थे, लेकिन जगदानंद बाबू नहीं माने। ऐसे में अब तेजस्वी यादव आज जब पार्टी कार्यालय पहुँचे तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग पार्टी के बड़े नेताओं की है, पदाधिकारियों की है। बात की जाए तो इस मीटिंग के तहत जगदानंद सिंह को कैसे मनाया जाए, इसकी नींव रखी जा रही है। गौरतलब हो कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब जगदानंद सिंह नाराज़ हुए हैं। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने छात्र के ही एक कार्यक्रम में जगदानंद सिंह को खरी खोटी इसी पार्टी दफ्तर में सुनाई थी। उस दौरान जगदानंद सिंह अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, हालांकि जगदानंद सिंह ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ऐसे में जब रजत जयंती मना रहा था राजद, उस दिन भी जगदानंद सिंह पर कई जो टिप्पणियां थी वो तेज प्रताप यादव ने की थी, हालांकि तेज प्रताप यादव के उन टिप्पणियों पर भी कोई जवाब जगदानंद सिंह ने नहीं दिया। लेकिन छात्र राजद के कार्यक्रम में जिस तरीके से आक्रामक तेज प्रताप यादव नजर आए, उसके बाद जगदानंद सिंह की नाराज़गी पर अब तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं जवाब देने की तैयारी तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, और यही कारण है कि किस तरीके से जगदानंद सिंह को वापस में जोड़ा जाए और पार्टी कार्यालय बुलाकर जो संगठन है उसे आगे ले जाया जाए, इसके लिए आज तेजस्वी यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। गौरतलब हो कि इस बैठक में जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं श्याम रजक वो मौजूद हैं, विशन पटेल मौजूद हैं, लालू प्रसाद यादव के हनुमान जानने जाने वाले भोला यादव भी आज इस बैठक में शामिल हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जहां मान मनोबल का दौर चल रहा है, वहीं आज तेजस्वी यादव के इस बैठक के बाद क्या जगदानंद सिंह मानेंगे, क्या जगदा बाबू की वापसी पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर होगी। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। क्या जगदा बाबू जी ने आप लोगों से कहा क्यों नाराज हैं? सही कारण हो सकता है, आपको ये बात जो है जगदा बाबू जी ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष और अरे भाई, नाराजगी होती है तो वो प्रकट करते हैं ना, नाराजगी है कोई। आप लोगों से कोई नाराज, काल्पनिक सवाल का कोई जवाब तो होगा।